पिटिब कि झराफुलर मृत्युर रहस्य रमादेवी छात्री झराफुल नायक मृत्यु घटनार मुख्य अभियुक्त कहुवा राकेश स्वाई को तीन दिनिया रिमांड रे जेरा करुच्छे जाजपुर कुआखिया पुलिस। झराफुल मृत्यु केमिति एवं केउ कारण होला ताकु नै हत्या करा जाइछि ना तार मृत्यु पछरे आउ किछि कारण रहिछि से बाबदरे कोनोसी तथ्य एपर्यंत आसी पारनी से नै राकेश टू तथ्य उगाळिब पुलिस। आवश्यक पड़े पुलिस राकेश को से सब स्थान को नै रिक्रिएशन अर्थात ए जो क्राइम रिक्रिएशन को आ जाई परिबो घटनार रिक्रिएशन को आ जाई परिबो ताकु करिवा को मध्ये चेष्टा करिबो। सेपरे राकेश को भुवनेश्वर आनी अधिक तदंत करिवा को योजना करिछि कुआखिया पुलिस। गोटे पटे फूड पॉइजनिंग रु झराफुलंकर मृत्यु होइतिबा कुआ जाउतबा बेले से पटे श्वास रुद्ध होई ताकर मृत्यु होइतबा चर्चा मध्ये होउछे। 26 तारीख राति रे राकेश आ झराफुलंकर भितरे ओयो गेस्ट हाउस रे कौन होइतिला झगडा होइतिला कि ये प्रश्न मध्ये स्वाभाविक आसुछि। या परे झराफुलंकु श्वासरुद्ध कर मारी दिया जाए कि झराफुल मृतदेह को नहीं कौन पाई एत दूर से फिंगिले राकेश आउर सांग जदि झराफुल होटेल रे मृत्यु घटी तबे होटेल कर्मचारी मैंने किभली जापारे ना साधारण चेकआउट बेले जो जो मैंने अक्युपैंट था अर्थात जो मैंने होटेल रूम्रे रही था से निरीक्षण करार गोटे व्यवस्था बा गाइडलाइन रही जदि प्रत्यक्ष निरीक्षण नुहे कि ऑब्जर्वेशन करा जाए प्रकृत में से मैंने कौ कंडीशन रे थिले कौ कंडीशन रे बाहर कौन सी प्रकार इंटॉक्सिकेशन रो स्थिति रही कि ए बाबद होटेल कर्मचारी कहीं अनुधान करते जदि अनुधान करते बाबद कहीं पुलिस पाखे खबर जा ना गोटे रिपोर्ट हो ना तेणु ये सब कथा स्वाभाविक भाव प्रश्न उठू कौन होटेल कर्मचारी ए पूरा घटन सामिल नहांती तो ये गोटे विराट बड़ सन्देह सामना को आसुची। जाशु झराफुल और राकेश को होटेल रू बाहरी जावाक दि जाइला कि अर्थात जो कथा मुझे इंगित करूली से ही आधार में सन्देह उपजुची जे होटेल रू जा बेले से स्थित कौन थी ताकु निरीक्षण करते कि ना जदि कौन सन्देहजनक स्थित था पचार चेष्टा कर कि नहीं एने की पुलिस को अवगत कराई कि नहीं दीर्घ दिन झराफुल मृत्यु हो सारे तार मृतदेह मिल सारे होटेल पक्षर कौन प्रकार पुलिस को इंटीमेट कहीं करागला ना पुलिस को कहीं बाबद अवगत करागला ना ये सब प्रश्न सामना को आसुच्छ सब दिगक नहीं पुलिस तार तदंत त्वरावित करुच्ची होटेल मालिक होटेल कर्मचारी जो मैंने रही संपृक्ति से भूमिका एथस तो राकेश स्वाई तार सांग ए समस्त भूमिका कौन थी ए सब कथा गुरुत्व दि जाऊँगी। सुरेंद्र सामल आम सहित जाजपुर जोड़ी होती सुरेंद्र कौन अपडेट रही गोटे बड़ मिस्ट्री एपर्यंत तार रहस्यर पर्दाफाश हो पार नहीं एपर्यंत सल्व हो पार नहीं तो कौन एपर्यंत अपडेट रही आपके देखो शिव निश्चित भाव में यू झराफुल मृत्यु घटना रहस्य एपर्त पर्दाफाश हो पार ना कि तार जो रही मुख्य अभियुक्त कहते राकेश को मध्य पुलिस बर्तमान रिमांड तीन दिनिया रिमांड आने जारी कर पत्रता जारी रखी सहित आज सकाल सकाल मेडिकल स्वास्थ्य परीक्षा करने सहित बर्तमान कुआखिया थाना आणिकी कुआखिया थाना रखा जाए कुआखिया थाना एसडीपीओ घटनास्थल समस्त थाना अधिकारी रही जेरा आरंभ कर जगह रही जो घटनास्थल कोजिट कर पचराचरा करते जो रही झराफुल सहित कौन कौन घटी से जो ओए गेस्ट हाउस उठू ओए गेस्ट हाउस किए किए थे केवल झराफुल बॉयफ्रेंड जो कहता बॉयफ्रेंड थे ना अन्य किए थे जदि उभय थे से मृत्यु होती ना अन्य को जदि से मृत्यु है मृत्यु जो गेस्ट हाउस आसिले तेणु से जो गेस्ट हाउस कर्मचारी मैंने से दिन थे कि नहीं गोटे प्रश्न सृष्टि किंतु बर्तमान जो राकेश जो अभियुक्त कहता राकेश को पुलिस बर्तमान पचराचरा जारी रखी राकेश राकेश जो सांग जो सहयोगी जे कि स्कूटी चलाउथिले बा स्कूटी पछरे बसीथिले जे भी हेथांतु से दुई जनक भितरु तो ये युवक जनक कोउटी तांकु पुलिस ट्रेस कलानी के पर्यंत तांकु धरि के आनलानी के पर्यंत पुलिस देखो शिव तो कारण ये राकेश जे अच्छी बर्तमान राकेश सब अपराधी जो मैंने संपुक्त अच्छा राकेश केवल ही कहीपर राकेश तो पुलिस जो जेरा कर पुलिस पत्रा जारी रखी राकेश पुलिस सामने संपूर्ण भाव सत्य कथा कहते सूचना रही था पुलिस से सहयोगी को चिन्हट कर सारी गिरफ कला ये बाबद अपडेट कौन रही देखो जो दु जन को पुलिस चिन्हट कर तो राकेश को बर्तमान कस्टडी को अणा जाए कि जो अन्य सहयोग जो युवक रही एपर्त पुलिस गिरफ्त कर पार ना कि पुलिस कस्टडी को आनी ना किंतु ताकू धरिया बहुत शीघ्र धरा जो बोली पुलिस सुरेंद्र मुझे टिके आपको अटकाउ सूर्यमणि त्रिपाठी पूर्वतन पुलिस प्रशासक आम सहित जोड़ी होती श्रुत त्रिपाठी
आमे जदि भुवनेश्वर कथा कहिबा एवं ओयो रूम्स बा विभिन्न होटल रो कथा कहिबा ए गोटे चिराचरित प्रक्रिया चली सबुठे जे कपल्स माने जाउछंती किछि समय बितौछंती होटल रे तापर से माने चेक आउट करिके पळौछंती एतिरे होटल रो मध्ये किछि मात्रा रे लाभ होउछि बोली कि मध्ये अभिजोग आसुछि किंतु प्रश्न उठुछि जेतेबेले चेक इन होउछि आ जेतेबेले चेक आउट होउछि जो ऑक्युपेंट्स माने जाउछंती जो माने रहउछंती रूम रे से माने बाहर लाबळ को कोउ कंडीशन रे बाहरुछंती से माने स्वास्थ्यगत दिगरु ठीक अछंती कि नाही कोनोसी प्रकार संदेह उपजुछि कि नाही ए सब कथा होटेल रो कर्मचारी माने जो बा रिसेप्शन रे जे चेक आउट प्रोसीजर को मेंटेन करतुवे से माने अनुध्यान करिबा कथा किंतु जहां वर्तमान पर्यंत तथ्य आसुची राकेश स्वाई रो जहां औपचारिक बा अनौपचारिक भाबे जति कि तथ्य सामना को आसुची सेई तथ्य आधार जदि आमे कहिबा ताले झराफुल रो स्वास्थ्य अवस्था बिगड़ी जाइतिला होटेल रु ता पार्टी रु फेण बारतला अर्थात आमे या बुझिबा जे अचेत कंडीशन को आसी सारतला तेणु अचेत कंडीशन रु जणे महिला को जणे युवती को होटेल रूम भितर बाहर को हॉस्पिटल जाए नबा आउे होटेल कर्मचारी संदेह नहबा एवं पुलिस को ए बाबद अवगत न करवा ए प्रकरण टी स्वाभाविक लगुनि आपड़ कौन अनुधान कर सहित एकमत जदि होटेल भितर प्रकृत से जो भद्र महिला बालिका पार्टी रु फेण बाहर था से अचेत हो जाते डाक्तखाना को निगला एक से जो होटेल रो कर्मचारी मान जाना ज्ञान भीतर रहा उचित से मैंने जदि लक्ष्य करे से विषय जवाब दबा को पड़ब तेरे अन्य कथा हूँ जदि जो पिलाटी सांगर नहीं कि बाहरी गला से भी विषय हॉस्पिटल ले सूचित करने कथा किंतु सी तो करुद्ध मकदमा तदंताधीन विरुद्ध कौन कार्यानुषान ग्रहण से साक्षी प्रमाण उपर निर्भर करे किंतु हॉस्पिटल जो से जो होटल रहा गोटे बड़ कहते लैप्स तो त्रिपाठी को आमे लैप्स तो निश्चित भाव कहीकि आलोचना करुचे किंतु मु एक्जाक्टली लैप्स हिसाब से ग्रहण करें कौटना कौटी गोटे संदेह बढ़ुची जे होटेल रो कर्मचारी संप्रुक्ति थाई पारे से जानतर मध्य किसी घटना होता पारे यटा एड़े जावा संभवपर हो ना मोप तदंत कह करिबा न करिबा उपरे कथा नाही पुलिस तदंत जारी रही से तदंत भितरे से सब कथा आसीबो तेणु ताकु से सब विषय राइट सी तो त्रिपाठी आउ गोटे टी अस्वाभाविक लगुच घटना भितर जदि धर्म विहार खंडगिरी धर्म विहार अंचल गोटे ओयो गेस्ट हाउस जनकर देह खराब हो अचेत अवस्था को चली जाऊँगी जड़े युवक कटक एससीबी जीव एटा आपण ग्रहण करि परुछंती साधारण देह खराब हेले निकटस्थ हॉस्पिटल को समस्त जाई थांती कटक एससीबी एठु पाखा पाखे 30 किलोमीटर ओली आमे धरनबा तो एतिकी बाट जीवा पई जणे चिंता करिवो माने मु तो आगुरी बेसी टिके आकु भाबुची आज्ञा आपणकर जदि से भाबिले कटक एससीबी के जाउछंती कटक टॉपिक रे किमिति जाजपुर पहुंची गले से तो आउरी एको आश्चर्य तदंत को लेकिन गोटे पूरा स्वच्छ स्थिति अनुभव होना त्रिपाठी कारण राकेश स्वाई को गिरफ्त करागला राकेश स्वाई सहित जो पिलाटी जाऊला जो सहयोगीटी थी सी पुलिस स्पष्ट कर सारे से पिला को आम ट्रेस कर सारी से पिला को चिन्हट कर सारी किंतु दीर्घ दिन परे वर्तमान पर्यंत पुलिस कस्टडी को से पिला आसी ना से व्यक्ति को अणा जाए ना अर्थात आम कौन या धरी ना जो पुलिस धरी नहीं मुख्य अभियुक्त ही एनफ ता छड़ा आउ कार संप्रति ना आउ का आनवा दरकार ना तो वर्तमान पर्यंत यही दिगरे कहीं प्रोसीडिंग है नहीं शुणु आमर जो सन्देह से ठीक ताकु मु स्वीकार करि परमे पुलिस जदि कहूँ जे आमे जानी सारी से विषय ताले पुलिस से जहाँ आवश्यक पदक्षेप नवा उचित से कथा नौ थो मर्डर केस रदंत डकैत केस रदंत रेप केस रदंत सबु कथा पुलिस
ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରମାଣକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି କଥା ପୁଲିସ ବାହାରକୁ ନ ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିବ ସେଥିପାଇଁ ପୁଲିସକୁ ଆପଣ ଦୋଷ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନାଇଁ, ମୁଁ ତା କାମ କରୁଛି। ରାଇଟ ରାଇଟ, ପୁଲିସ ତା କାମ କରୁଛି, ତଦନ୍ତକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏଇ ସଂକେତ ଆସୁନି। ଆମେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ ଯେ ପୁଲିସ କୋଉ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ ଯେ ପୁଲିସ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଏ ବାବଦରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଆମେ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଏକ କ୍ରାଇମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଷ୍ଟଡି ଭିତରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲିସ ଧରିପାରିନି, ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, କୋଉ ଆପଣ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, ପୁଲିସ ଯାହା କରୁଛି କ'ଣ ସବୁ କଥା ଆପଣ କହିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗିରଫ କରାଗଲା, ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ବାବଦରେ ପଚରା ଉଚରା କରାଗଲା, ସେ ତଥ୍ୟ ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁ ଯଦି ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ତାର ସହଯୋଗୀକୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଜଣଙ୍କର ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସୁନି, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣ ପୁଲିସ ପୁଲିସର କୈଫିୟତ ମାଗିପାରିବେନି। ପୁଲିସ କି ପୁଲିସ ତ ତଦନ୍ତ ଶେଷ କରିନି, ପୁଲିସ ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛି, ପୁଲିସ ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ସାରୁ, ପୁଲିସ ତା କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଲେ ଯଦି ସିଏ କଣ ଭୁଲ କରିଛି କି ଠିକ କରିଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଠିକ ହବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାପରେ ଏତେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ହବନି। ଠିକ ଅଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଲିସର ତଦନ୍ତର ଶୈଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ବିଲକୁଲ ଉଠାଉନାହୁଁ ବା ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ, କାରଣ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ତା ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର, ସେହି ଦିଗରେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରାଯାଇଛି, ସହଯୋଗୀକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରାଯାଇ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ଟିକେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଆପଣ ଯେତେ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ବି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ପୁଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ନେଇକି ସନ୍ଦେହ ଟିକେ ଆସୁଛି। ଏଇଥିପାଇଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାବଦରେ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ସହଯୋଗୀ କେଉଁଠି, ତାକୁ କେବଳ ଟ୍ରେସ୍ କରିଦେଇକି ପୁଲିସ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି, ଏଇଟାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କୁଆଖିଆ ପୁଲିସ, ପାରଙ୍ଗମ ପୁଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହିତ ସହଯୋଗୀ ତା'ର କ'ଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା ଏ ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, ଏବଂ ଝରାଫୁଲର ମୃତ୍ୟୁର ପୁରା ରହସ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ।